नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी लाइव। मैं हूं आपके साथ सचिन। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में शानदार प्रदर्शन कर दिखाया। उन्होंने अपने वनडे का 45वां शतक जड़ दिया, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 73वां शतक भी पूरा किया और भारतीय टीम को पहाड़ जैसे स्कोर खड़ा करने में एक अहम योगदान निभाया। किंग कोहली को मैच के बाद हुई प्रेजेंटेशन के दौरान प्लेयर ऑफ द मैच से भी नवाजा गया। दरअसल भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच 10 जनवरी को गुवाहाटी में खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज ने शानदार शतकीय पारी खेली। उन्हें मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और इस दौरान किंग कोहली ने बयान देते हुए ये कहा है कि मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अलग यहाँ पर हुआ था, क्योंकि मैं हर मुकाबले से पहले अपने खेल के तरीके और उसे अच्छा करने का पूरा विचार करता हूँ। मैंने उसी इरादे के साथ अभ्यास भी किया। जब बल्ले पर गेंद अच्छी आने लगी तो मैं अपने हिसाब से खेल रहा था। मैं जिस तरह से खेलता हूं उसके बहुत करीब मैं था। यहां मैं काफी खुश हूं कि टीम के लिए अंत में अहम 25 से 26 रन जोड़ सका। एक चीज तो मैंने देखी है कि डेस्पिरेशन आपको कहीं नहीं ले जाती है। मैं यही नहीं सोचता हूँ कि लोगों के हिसाब से सोचूं। मैं ऐसे खेलता हूँ कि हर मैच मेरा आखिरी मैच है और पहले खिलाड़ी खेल कर जा चुके हैं। मैं भी हमेशा नहीं खेलूंगा। मैं बस अपने खेल का लुत्फ लेना चाहता हूं, जो कि मैं ले रहा हूं। आपको बता दें कि अपनी इस शानदार पारी की बदौलत उन्होंने सचिन तेंदुलकर का एक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। आपको बता दें कि सचिन ने श्रीलंका के खिलाफ कुल 8 शतक लगाए थे, तो वहीं विराट कोहली ने उनके इस रिकॉर्ड को अब तोड़ दिया है और श्रीलंका के खिलाफ वनडे में 9 शतक जड़ दिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका के खिलाफ भारत की ओर से कोहली वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन चुके हैं। जहां इस शानदार पारी के बाद फैंस उनकी तारीफ भी करते नजर आ रहे हैं। विराट कोहली ने साफ तौर पर कहा है कि वो हर मैच में अपना 100% देने का पूरा प्रयास करते हैं। साल 2023 भारत के लिहाज से भी काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस साल विश्व कप जो है वो भारत में ही होना है, 50 ओवर्स वर्ल्ड कप। ऐसे में विराट कोहली का लगातार बेहतर प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी रहेगा और टीम इंडिया को आगे चलकर विराट की इस पारियों से और फायदा होता हुआ नजर जरूर आएगा। वहीं विराट कोहली के फैंस भी इनकी इस पारी से बहुत ज्यादा खुश हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं कि आने वाले समय में विराट कोहली का परफॉर्मेंस यहां से और ज्यादा बेहतर होता हुआ नजर आए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।